भारतीय समाज एक बहुसांस्कृतिक समाज का बड़ा उदाहरण है। यहाँ कई धर्मों के लोग भक्ति भावना में डूबे नजर आते हैं। भक्ति भावना का एक अनूठा संगम कर्नाटक में देखने को मिला। यहाँ समहाद्री पर्वत स्थित एक मंदिर में मुस्लिम महिला पूजा अर्चना करती नजर आई। यह मंदिर एक मुस्लिम महिला के साथ सांप्रदायिक सद्भावना का नया प्रतीक बन गया है। भगवती अम्मा मंदिर में पूजा करती इस महिला का नाम फहमीदा शरीफ है। यह मंदिर बेंगलुरु शहर से लगभग 375 किलोमीटर दूर स्थित है। हाल ही में फहमीदा शरीफ और उनके रिश्तेदारों ने सागर शहर शिवमोग्गा में भगवती अम्मा मंदिर में एक विशेष पूजा की। इस मंदिर का निर्माण फहमीदा शरीफ के दिवंगत पति इब्राहिम शरीफ ने 50 साल पहले किया था। फहमीदा ने बताया कि उनके पति की 2 साल पहले मौत हो चुकी है, लेकिन उनके परिवारों के लोग हिंदू त्योहारों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। उन्होंने अपने पति के मंदिर बनाने का किस्सा सुनाया। उनके सपने में भगवती आई थी। उन्होंने एक साधु से इस बारे में पूछा। बाद में उन्होंने मंदिर का सपना साकार किया। फहमीदा ने बताया कि उनके दिवंगत पति इब्राहिम शरीफ, जो कि एक रेलवे कर्मचारी थे, उन्होंने लगभग 50 साल पहले इस मंदिर का निर्माण किया था। कुछ साल पहले इब्राहिम के निधन के बावजूद शरीफ परिवार के सभी सदस्य अक्सर अलग अलग अवसरों पर मंदिर जाते हैं और देवी की पूजा करते हैं। इब्राहिम के दोस्त ने खुलासा किया कि देवी इब्राहिम के सपनों में प्रकट हुई और इस वजह से उन्होंने अम्मा भगवती में विश्वास विकसित किया और इस मंदिर का निर्माण किया। जिस जमीन पर मंदिर बनाया गया है वह रेलवे विभाग द्वारा प्रदान किया गया था और इब्राहिम पूजा के साथ साथ अपने घर और मंदिर दोनों में नमाज अदा करते थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।